हेलो गाइस, मैं डॉक्टर किरण चौटालिया, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एट अर्बन स्किन क्लिनिक पुणे ब्रांच। तो दोस्तों, आज एक हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बच्चों में और कई बार एडल्ट्स में बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शन है। तो एक स्किन का एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं एंड डेफिनेटली वो कई बार सीरियस होता है, कई बार ऐसा है कि आपको उसके बारे में देख के आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। ये दोस्तों इन्फेक्शन का नाम है मोलास्कम कॉन्टेजियसम वायरल इन्फेक्शन। एक टिपिकल वायरस है जिसको शॉर्ट में हम MCV बोल सकते हैं या मोलास्कम कॉन्टेजियसम, ऐसा एक पूरा उसका मेडिकल नाम है, उससे आप बात कर सकते हो। मोलास्कम नाम का ये जो वायरस है बराना, ये वायरस स्किन के सिर्फ अपर लेयर्स में इन्फेक्ट्रेशन होता है, रेयरली ये बॉडी के इनसाइड जाता है। तो मोस्टली स्किन के कॉन्टेक्ट में या स्किन की सर्फेस पर ही रहता है। ये वाला इन्फेक्शन जो होता है उसमें राउंड फॉर्म छोटे छोटे बबल्स बनते हैं स्किन में, जिसमें पल दाने जैसे पूरे या तो फेस पे या बॉडी के कोई भी पार्ट्स में छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और इसमें कोई इचिंग या पेन ज्यादा होता नहीं। बहुत रेयरली इसमें पेन या इचिंग या इसमें रेडनेस या सूजन आती है। मोस्टली कहीं पे आपने स्क्रैच कर दिया तो वहां पे कोई जगह पे स्किन में डैमेज हो गया तो वहां पे वो आता है। 90% लोगों में जिनका वीक इम्यून सिस्टम है या जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 10 साल में, उनको ज्यादा चांसेस है। अगर बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस स्किन की कंडीशन, उनको ज्यादा चांसेस है। और रेयरली ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। मीन्स एडल्ट में मोस्टली प्राइवेट पार्ट्स में है तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होगा और जिनकी वीक इम्यूनिटी उनको पूरी बॉडी में कहीं पे होगा। जबकि बच्चों में जो होता है 90% उनकी जो इम्यूनिटी डेवलप होने की स्टार्टिंग स्टेज होती है तब ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन को ठीक ना किया जाए तो मेजोरिटी केसेस में 6 महीने से 2 साल में अपने आप चला जा सकता है। बट उतना वेट करना कई बार गलत होता है क्योंकि पूरी बॉडी में अगर वो स्प्रेड हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, ये इन्फेक्शन है तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसका अगर आप वहाँ पे ही ट्रीटमेंट कर लो तो वो अच्छी बात रहती है। तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, रेस पिंक या स्किन कलर के छोटे छोटे बम्स आते हैं, कई बार वो हार्ड होते हैं। मोस्टली ये 2, 3 या 4 mm तक के ही बम्स रहते हैं, कभी कभी 6 mm तक जाते, उससे ज़्यादा नहीं होते। और उनके सेंटर में एक छोटा सा पंक्टम या डॉट जैसा भी दिखता है और ये पर्ली व्हाइट कलर के होते हैं। मेन रीजन क्या है आपको वायरल इन्फेक्शन, ये जो मोलास्कम वाला, वो कैसे हो सकता है? तो मोस्टली स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है। जैसे आपने किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, स्विमिंग पूल है, भीड़ में आप कहीं पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्राउडेड ट्रेन या बसेस या उसमें हो सकता है आपको। जिम जैसे इक्विपमेंट्स है वो कॉमनली यूज हो रहे, तो वो शेयर होने से हो सकता है। दूसरा मीन्स इन्फेक्टेड टॉवल्स, कीक बोर्ड्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीट्स है उनसे हो सकता है, तो वो सारे क्लीन है, उसका ध्यान देना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हो सकता है, अगर आपके अफेक्टेड पार्टनर्स को है तो उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है। ये कॉमन जो है वो रीजंस है जहां से आपको इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंट्री करता है। रिस्क फैक्टर तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे आपको HIV या फिर ल्यूकेमिया या आपको इम्यूनो सप्रेशन कोई ड्रग्स चल रही है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई, तो TB जैसे बीमारी है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। आपकी बच्चों की स्किन अगर बहुत ड्राई एंड सेंसिटिव, जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो वैसी कंडीशन में भी ये हो सकता है। तो ये कॉमन कंडीशन है जिसमें आपको होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें आपको ज्यादा केयर लेनी चाहिए। इसके कोई कॉम्प्लिकेशन वैसे तो नहीं है, बट कई बार आंख के आजू बाजू में आ जाता है तो विजन में प्रॉब्लम और वो सारी चीजें हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस, आई में रेडनेस और वो सारा हो सकता है। प्राइवेट पार्ट्स में हो गया तो वो दूसरे इन्फेक्शन को जल्दी प्रमोट कर सकता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मोलास्कम के साथ दूसरे इन्फेक्शन रिस्क रह सकता है, तो वो ध्यान देना चाहिए। अगर आपको वायरस इन्फेक्शन से बचना है, आपकी फैमिली एक को हुआ है तो बाकी सबको ना हो जाए, इसके लिए क्या ध्यान देना है? तो सबसे पहले आप तो आपका क्लोथिंग, सोप, पेन, आपका जो पर्सनल आइटम्स है, टॉवेल एंड, वो सारा अलग रख लीजिए ताकि वो दूसरों को ना हो। अगर आप सलून, ब्यूटी पार्लर या पार्लर में जा रहे हो तो वहाँ पे एंश्योर कीजिए कि आपको जो टॉवेल, नैपकिन वो यूज़ किया जा रहा है, जो अस्त्रा या रेजर यूज़ किया जा रहा है, जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाए वो क्लीन हो। आपको जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो डेफिनेटली उसके हाथ या फेस में ऐसे कोई इन्फेक्शन नहीं दिखने चाहिए, और वो ग्लव्स या ऐसा सेफ्टी हाइजीन की मेजर मेंटेन करे, सैनिटाइजर वो प्रॉपरली यूज करे, वो आपको ध्यान देना है। सेक्सुअल एक्टिविटी आपको अननोन पार्टनर से अवॉइड करनी है, और किसी पार्टनर को अगर है तो डेफिनेटली उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। देन ओनली यू नीड टू इन्वॉल्व
दोस्त काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वो एक आपको ध्यान देनी है। आप जिम विम जा रहे हो तो आके तुरंत प्रॉपर वे में बात ले लीजिए, आपने जो क्लोथ्स पहने हैं, टॉवल या नैपकिन लेके गए हैं, वो सर आप अलग रखिए, वो अलग जगह पे आप पैक रखिए ताकि वो दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स ना हो जाए, उनको अलग से वॉश करने के लिए डालिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोस्ट कॉमनली हैंड्स अपने सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आता है बहुत सारी चीज़ों से, बिकॉज वी आर टचिंग एवरीथिंग विथ अवर हैंड्स, तो वो आपको क्लीन रखना है, फेस हमेशा क्लीन रखना है। तो जब भी आप बाहर से आओ या क्राउडेड प्लेस से आओ तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको मोलासन इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं, अगर आपको हुआ है तो घर में दूसरों को होने का स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसका दोस्तों डायग्नोसिस बनाना बहुत सिंपल है। मूजी रोटी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हम जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट आता है, तो छोटे बच्चे या एडल्ट्स आते हैं तो उनका चेक करके हम देख के ही डायग्नोसिस बना लेते हैं। बट रेयरली हम एक आधा लीजन पंक्चर करते हैं, उसमें से दाना निकलता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये मोलास्कम कॉन्टीजियम ही है। और रेयरली हम बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है स्किन का लैब में सैंपल भेजते हैं और उससे हम वो क्लियर कर सकते हैं। नाउ कम्स टू ट्रीटमेंट पार्ट। तो मोस्टली देखो, अगर आपको मोलास्कम कॉन्टीजियम हुआ है तो सबसे पहले तो जो मैंने प्रिवेंशन टिप बोली वो आपको फॉलो करनी है। अगर आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, आपको इम्यूनिटी वीक है, तो वो बढ़ाने के लिए काम करना है, आपकी दूसरी कंडीशन है वो ठीक करने है। और नेक्स्ट टाइम आता है कि जो आपका मोलास्कम है उसको ठीक करने के लिए, तो उसमें रेटोडेंट आपकी क्रीम्स हम यूज कर सकते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जैसे KOH करके एक होता है वो वाला हम एप्लीकेशन करें, वो उससे भी ये फायदा हो सकता है। एक क्रायोथेरेपी करके लिक्विड नाइट्रोजन होता है उससे भी इसको हम क्लीन कर सकते हैं। दूसरा एक नीडल से पंक्चर करके उसका जो व्हाइट दाना आता है बॉडी होती है उसको हम निकाल के इसको ठीक कर सकते हैं। मेजोरिटी ट्रीटमेंट में ये विद इन अ मंथ और 2 मंथ ट्रीटमेंट होने पे क्लियर हो जाता है, बट रेयरली इसको लेजर या ऐसे ट्रीटमेंट से निकालने की जरूरत पड़ती है। और अभी तो कुछ टैबलेट्स भी आते हैं, अगर वो भी अच्छे से टाइमली डोज लिया जाए, आइसोट्रेटिनोइन और ऐसे टैबलेट्स होते हैं तो वो भी ये जल्दी जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम्स आती है उससे भी ये जल्दी जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन। बच्चों में अलग लेवल के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, एडल्ट्स में अलग लेवल के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। उसके लिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर जो होते हैं स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, तो आपके लिए क्या सही रहेगा वो हम करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी मोलास्कम कॉन्टीजियम वायरल इन्फेक्शन के बारे में। ऐसे और भी वायरल इन्फेक्शन स्किन में होते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब डिटेल में गाइड करेंगे, उसके ट्रीटमेंट प्लान से लेके उनके कॉजेज उनके रीजन सबके बारे में। तो हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, आपके कोई भी डाउट्स है हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।